अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम अलाइड हाई स्कूल कोटसुल्तान। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू कवायद व इंशा स्टार्ट करेंगे दूसरी जमात के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है वाहिद जमा। वाहिद किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जो सिर्फ एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, जैसे कुर्सी, घोड़ा, बच्चा, लड़का वगैरह। जमा वो इस्म जो एक से ज़्यादा हों तो उन्हें जमा कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, घोड़े, बच्चे, लड़के वगैरह। ऐसा वाहिद इस्म जिसके आखिर में अलिफ या हे हो तो उसे हटा के हम बड़ी ये लगा देंगे जिससे जमा बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूता, जूते। जूता में आखिरी वर्ड अलिफ है, अलिफ हटा के बड़ी ये लगाएंगे तो जूते बन जाएगा। इसी तरह से परिंदा, परिंदे, अच्छा, अच्छे, बंदा, बंदे। पेज नंबर 57। इसी तरह जब इस्म वाहिद के आखिर में छोटी ये हो तो उसके आखिर में अलिफ नून गुना का इजाफा कर दें, जैसे टोपी। इसके आखिर में छोटी जी है तो छोटी जी हटाकर हम अलिफ और नून गुना लगाएंगे तो टोपियां बन जाएगा, टोपी, टोपियां। इसी तरह से तितली, तितलियां। मिठाई, मिठाइयां। अलमारी, अलमारियां। प्यारे बच्चों, दस जरवा है जमा को भी जहनशीन कर लें, जैसे किताब, किताबें, मेज़, मेज़ें, औरत, औरतें, गाजर, गाजरें, कतार, कतारें। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दर्जल सवालात के जवाब दें, वाहिद की तारीफ़ करें और मिसालें दें। वाहिद किसे कहते हैं? ऐसा इस्म जो सिर्फ एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं, मसलन कुर्सी, घोड़ा वगैरह। जमा की तारीफ़ करें, उसकी मिसालें दें। जमा किसे कहते हैं? वो इस्म जो एक से ज़्यादा हो तो उन्हें जमा कहते हैं, मसलन कुर्सियाँ, घोड़े वगैरह। जैसे वाहिद जमा, कायदा, कायदे, कुत्ता, कुत्ते, नक्शा, नक्शे, खरबूजा, खरबूजे। दर्जल जमा के वाहिद लिखने हैं, जमा लिखे हुए हैं, वाहिद हमने लिखने हैं। औरतें, वाहिद औरत एक। तोहफे, ये ज़्यादा हो जाते हैं एक से ज़्यादा तो एक होगा तो तोहफा। तलवारें, तलवार। नमाजें, नमाज। अच्छे, अच्छा। लेट्स रीड पेज नंबर 59। मुंदरजा ज़ैल खाली जगहों में मुनासिब वाहिद या जमा इस्म लगाकर मुकम्मल करना है। हमने इन खाली जगहों में कोई भी वाहिद या जमा इस्म लगा के इन जुमलों को मुकम्मल करना है, जैसा कि इन डैश को साबुन से धो लो, इन बर्तनों को साबुन से धो लो। हमारी जमात के तमाम डैश पास हो गए, हमारी जमात के तमाम तलबा पास हो गए। डैश म्याऊं म्याऊं करती है, वाहिद इस्म लगाएंगे बिली, बिली म्याऊं म्याऊं करती है। हलवाई डैश बनाता है, हलवा बनाता है, ये वाहिद इस्म है। पिंजरे में बहुत से डैश थे, पिंजरे में बहुत से परिंदे थे, ये जमा है। डैश फूल पर बैठी थी, तितली, तितली फूल पर बैठी थी, ये वाहिद इस्म है। डैश में वक्त देकर बताओ, घड़ी, घड़ी वाहिद इस्म है। अम्मी ने डैश पकाई, अम्मी ने सब्जियां पकाई, ये जमा इस्म है। ओके, समझ आ गई इस लेसन की? ये अच्छी तरह से आप लोगों ने याद भी करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।